नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देश पर जनपद के सभी थानों पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लोनार थाना महिला पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। थाना लोनार द्वारा एक अभियुक्त तथा थाना मझिला द्वारा दो अभियुक्त, 6 देसी तमंचा तथा भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक द्विवेदी ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से अवैध शस्त्र बनाए जाने का कार्य चल रहा था। जितना सामान बरामद हुआ है उससे लगभग 1 सैकड़ा अवैध तमंचे और बनाए जा सकते हैं। द्विवेदी ने थाना मझिला पुलिस टीम तथा थाना लोनार पुलिस टीम को शाबाशी देते हुए महिला पुलिस को 10,000 रुपए तथा लोनार पुलिस को 5,000 रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की। प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। सर किस चीज़ का खुलासा किया गया, क्या करेंगे जी? सर क्या खुलासा है? ये आगामी ये नगर निकाय चुनाव जो कि बस मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर जनपद में होने वाला है, इसमें जो 13 थाना क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, इसमें असामाजिक तत्वों अपराधियों द्वारा अवैध शस्त्रों का प्रयोग किए जाने की आशंका के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस को अवैध शस्त्र बनाने वाले व्यक्तियों की तलाश में लगाया गया था, जिसमें कि आज ये अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देशन में और सीओ हापालपुर सीओ शाहबाद के सुपरविजन में भारी सफलता मिली है पुलिस को, हरदोई पुलिस को, जिसमें हमने थाना लोनार और थाना मझिला से 3 व्यक्तियों को पकड़ा है। मझिला से पकड़े गए हैं वसीम और मशरूर और विकास थाना लोनार से पकड़ा गया है। इनके पास से 6 देसी तमंचे, 1 अर्धनिर्मित तमंचा, कुछ कारतूस, खोखे कारतूस के साथ साथ भारी संख्या में अवैध शस्त्र बनाने का सामान मिला है। ऐसा उसको देख के प्रतीत हो रहा है कि यदि पकड़े नहीं गए होते तो लगभग 75 से 100 अवैध शस्त्र और बना सकते थे। इस प्रकार ये पुलिस द्वारा अच्छी कामयाबी पाई गई है और इसके लिए थाना मझिला पुलिस को 10,000 रुपये और थाना लोनार पुलिस को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। तो कहीं सप्लाई करने के लिए बना रहे थे, फैक्ट्री चला रहे थे? डेफिनेटली न सिर्फ ये अपराध के काम आता बल्कि चुनाव में भी अगर कोई गड़बड़ी करने के लिए या जन सामान्य को भयभीत करने के काम आ सकता था, जो कि इनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी।